गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए नमामि गंगे मिशन के तहत करोड़ों रुपए फूंक दिए गए, लेकिन मोक्षदायिनी का आंचल आज भी मैला हो रहा है। छह दिनों से लगातार एयरफोर्स नाले के जरिए गंगा में करोड़ों लीटर दूषित पानी बहाया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार हैं जिनके माथे पर शिकन तक नहीं दिखाई देती है। दरअसल जाजमऊ के वाजिदपुर में बने कामन सीवरेज पंपिंग स्टेशन से 130 MLD सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को जाने वाली कॉमन हेडर बुधवार को टूट गई थी। इसके बाद से ही करोड़ों लीटर रोजाना गंगा में एयरफोर्स नाले के जरिए मिल रहा है। कॉमन हेडर टूटने के बाद से जल निगम अधिकारियों की लापरवाही कम नहीं हुई और यहां पर पाइप बदलने की वजह से उसकी सीमेंट से ढलाई करा दी गई है। बताया जा रहा है कि जब शनिवार को सीएम योगी का कानपुर में आगमन हुआ तो सीवरेज लाइन को खुलवा दिया गया। इसके बाद अचानक से प्रेशर बढ़ा तो लाइन फिर से क्षतिग्रस्त हो गई। अब हाल ऐसा है कि गंगा में पिछले छह दिनों से करोड़ों लीटर दूषित पानी बहाया जा रहा है, लेकिन अधिकारियों को इसका भय नहीं नजर आ रहा है। मामले की जानकारी के बावजूद जल निगम अधिकारी कैमरे के सामने आकर बोलने से बच रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि क्षतिग्रस्त लाइन की मरम्मत की जा रही है। गंगा में दूषित पानी गिरना कब बंद होगा, इसके बारे में भी पुख्ता तौर पर जल निगम के अधिकारी नहीं बोल रहे हैं। ऐसे में मोक्षदायिनी का मैला होता जल आसपास रहने वाले लोगों को काफी पीड़ा पहुंचा रहा है। इसको लेकर के बाल योगी अरुणपुरी महाराज का कहना है कि जब सरकार गंगा को लेकर इतनी गंभीर है, पीएम मोदी से लेकर के सीएम योगी तक गंगा के प्रति मुहिम चला रहे हैं, इसके बावजूद इस तरह की लापरवाही अक्षम्य में है। उन्होंने कहा कि जल निगम के अधिकारी सरकार को बदनाम करने में लगे हैं, ऐसे अफसरों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, आपके माध्यम से जानकारी मुझे हुई है, मैंने वीडियो में देखा है आपके माध्यम से, और बहुत मन को पीड़ा पहुंचाने वाला है। कई लाख लीटर गंगा जी में सीवेज का पानी और टेंडरीज का पानी जा चुका है। अधिकारी इतने मक्कार हैं, इनके विरुद्ध कड़ी और कठोर और दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। जिनके द्वारा लापरवाही बढ़ती जा रही है, ये सरकार को बदनाम कर रहे हैं, सरकार के पूरे मसूबे को पलीता लगा रहे हैं। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार की निष्ठा गंगा के प्रति है, वो चाहती है गंगा स्वच्छ हो, गंगा पवित्र हो, परंतु अधिकारी खास करके पॉल्यूशन नियंत्रण बोर्ड और जल संस्थान जल निगम के द्वारा जो गंगा के प्रति दुर्व्यवहार किया जा रहा है वो बहुत निंदनीय है। और अटेम्प्ट टू मर्डर, क्योंकि गंगा का हत्या करने का प्रयास है। माननीय उत्तराखंड ने गंगा को जीवित प्राणी का दर्जा दिया हुआ है, तो गंगा चूंकि स्वयं में तो जीवन है ही, लखों लखों लोगों का जीवन है, गंगा के प्रति खिलवाड़ माने लाखों लोगों के जीवन के प्रति। सरकार गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए करोड़ों रुपया खर्चा कर रही है। वहीं कानपुर जाजमऊ स्थित ट्रीटमेंट प्लांट की लाइन कुछ दिनों पहले टूट गई थी, जिसके चलते गंगा में लगातार दूषित पानी जा रहा है। ये वो सामने नाला है जिससे लगातार गंगा में दूषित पानी जा रहा है। हम आपको दिखाते हैं कि नाला लगातार कितनी रफ्तार है, करोड़ों लीटर पानी डेली गंगा जी में इसमें मिल रहा है। गंगा का पानी देखिए कितना काला है और फेनेदार और बदबूदार है। लगातार ये दूषित पानी गंगा जी में मिल रहा है, जिसके चलते गंगा जी दूषित हो रही हैं। और अभी भी कानपुर में जो ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें जो रिपेयरिंग का काम जारी है, लेकिन कब ये लाइन रिपेयर होगी और कब ये पानी गंगा जी में दूषित आना बंद होगा, इसका अभी कोई पता नहीं है। कानपुर से ABC न्यूज के लिए मैं सर्वेश सैनी।